जान रहे हैं कि ये 72वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और भारत सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका सोच है कि ग्रामीण जब तक हमारा विकास नहीं होगा तब तक विकास का जो परिभाषा है वह फलीभूत नहीं होगा। उसके तहत जो योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है या स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही है वह सही ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को वह सुविधाएं मिल रही कि नहीं है, उसके लिए एक भारत सरकार के द्वारा उन्नत भारत अभियान चलाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारा एक भारत हो श्रेष्ठ भारत हो, उसके लिए आज सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पे जो विश्वविद्यालय के जो विभाग होते हैं उसको 5 गांव और हम लोग महाविद्यालय को 10 गांव को सर्वेक्षण के लिए दिया गया है, जिसमें साहेबगंज महाविद्यालय साहेबगंज के 10 गांव को दिया गया। आज हम लोग बड़े पचगढ़ में विभिन्न जैसे सिंघाड़ी है, भोगी संथाली है, इसके बाद खेसाड़ी है, सिंघाड़ी है, इसे बहुत सारे गांव को सर्वेक्षण हमारे छात्रों के द्वारा एनएसएस के वॉलंटियर बीएड के छात्र हैं और नितिन प्रोफेसर नितिन कुमार जी हैं, अनु बाड़ा है प्रोफेसर, वो सारे लोग हम लोग का सभी लोग आए हुए हैं और ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण क्षेत्र में जो शौचालय है या पेयजल है या फिर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सिंचाई का है, उजाला योजना है, राशन है, इसके बाद बीमा है, वृद्धा पेंशन है, ये सारे विषयों को लेकर के छात्र एक सबों का सर्वेक्षण करना एक रिपोर्ट तैयार करेंगे हम लोग और एक विश्वविद्यालय स्तर पर माननीय कुलपति प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जी को और एक हमारे महाविद्यालय स्तर पर एक जिला स्तर पर हम लोग एक रिपोर्ट जो कि बना करके दिया जाएगा ताकि जहाँ पे अभी भी विकास का जो दीप है अभी तक नहीं पहुँच पाया है उसको पहुँचाने का एक परिकल्पना है ताकि हमारे छात्र इसमें छात्र को लगाने का मतलब है कि यह पढ़ करके आज कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र के वो डीसी बनेंगे,